गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ लाजपत नगर मार्केट में शॉपिंग करने। तो ना मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। अभी 7:30 हो गए हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मार्केट में मैंने एंट्री ले ली है, तो ये लोग मेरे साथ में कजन्स वगैरह आ रखी हैं, ये लोग शूट करने वाले हैं मेरा पूरा व्लॉग, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में जैसे ही पहुंची मैंने देखा यार बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो सबसे पहले ये बच्चियों के फ्रॉक्स की स्टॉल लगी हुई थी 200-250 में, लेकिन अच्छी थी काफ़ी। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इनर था। मैं इनर वाली चीज़ें आने को थोड़ा कम पसंद करती हूँ पहनाना, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता। यहाँ पे आन्या देख रही थी मून, और इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे निकल ली क्योंकि मुझे ये था कि नहीं यार नहीं अच्छी लग रही। तो यहाँ पे एक आंटी वो काइंड में ज्वेलरी लेके चल रही थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे झुमकाज लेने थे बड़े बड़े, तो मैंने वहाँ से रेट वेट पूछा, नहीं लगा सही। देन उसके बाद हमने ये शर्ट्स देखी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये वाली शर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आगे आपको पूरा हॉल देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। इसमें पिंक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था और अच्छे अच्छे कलर्स आपको मिल जाएंगे। 450 भैया ने इसका प्राइस बोला था। देन थोड़ी सी आगे गई तो यहाँ पे ये कॉर्ड सेट मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। आप मीशो से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी अराउंड सेम ही प्राइस है। देन उसके बाद मैंने जैसे कि आपको पता है मैंने इयर रिंग्स देखना शुरू किया। यार देखते ही ये वाले झुमका मुझे बहुत पसंद आ गए। आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। ये 100 रुपीज़ की पूरी स्टॉल थी। आप किसी भी तरह के जो ज्वेलरीज है वो ले सकते हो। यहाँ पे अराउंड 100 रुपीज़ था। माथा पट्टी वाला स्टाइल भी नीचे टंगा हुआ था। मैंने इसी दुकान के अंदर में घुसी, वहाँ पे क्लिप्स थी और भी काइंड के इयररिंग्स थे जो कि मुझे कुछ पसंद आए। देन वहाँ से मैंने परचेज़ करके मैं आगे निकल ली कवर वाले की दुकान पे। यहाँ पे हमने खूब सारे कवर्स देखे आईफोन 12 के और 14 प्रो के, जो कि उसमें से मुझे कुछ पसंद आया। देन इसके बाद जहाँ भी मुझे ज्वेलरीज दिखती हैं ना, इयररिंग्स स्पेशली, तो मैं वहाँ भाग जाती हूँ। तो मुझे जो मैंने ऊपर वाले ईयर में पियर्स कराया था वहाँ के लिए कुछ चाहिए था जो कि मुझे वहाँ नहीं मिला था। देन उसके बाद 350 की ये शॉप थी जहाँ पे मुझे पर्सेज इतने खास नहीं लगे थे, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं। आन्या को फिर हमने बलून दिलाया। फिर उसके बाद आन्या ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, कि मुझे भी कुछ चाहिए। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने आन्या के लिए प्यारी सी बैली की शॉप्स मिली थी। शॉप में बैली की प्यारी सी शॉप थी जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बैलीज वगैरह थी। तो मुझे ये था कि यार इस तरह की लूँ जो आन्या की ना आगे तक चले। तो थोड़ा सा बढ़ता साइज़ मैंने देखा और ये वाला जो था ये मुझे ऐसा लगा काफ़ी अच्छी है और सारी ड्रेसेस पे अच्छे से जाएगी। तो आप बताना कमेंट्स करके कैसी लगी। और व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी वैली आन्या के लिए परचेज़ किया। पीकू के लिए भी हमने परचेज़ किया है। आन्या को पूरा ट्राई वगैरह करके दिखाया क्योंकि बच्चों का ना ये दिक्कत होती है कि छोटा साइज़ आ जाता है हमेशा। फिर उसके बाद हम घूमते फिराते ये देखो सारे कन्फ्यूज थे और क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना, क्या ख़रीदना है क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन के साथ आगे चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझे आन्या के लिए एक शॉप मिली। मैंने वहाँ पे ड्रेसेस देखी लेकिन प्राइस मुझे वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। लाइक भैया बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे। जो पिंक कलर की ड्रेस है इसका 550 समथिंग प्राइस था। देन मुझे ये वाली शॉप मिली, ये वाइट वाला कुर्ता जो आप देख रहे हो ये 2000 का था भाई साहब। ये देखते बहुत पसंद आ गया था। उसी के जस्ट थोड़ी सी आगे मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड सेट मुझे लेना था, तो भैया की ये दुकान मिली मुझे, छोटी सी स्टॉल टाइप में लगा रखी थी। 400 रुपीज़ में कॉर्ड सेट मिल रहा था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था और मुझे पसंद आ गया था मतलब देखते ही। तो मैंने ये तो फाइनली परचेज़ कर लिया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था। तो आप भी अगर सस्ते कॉर्ड सेट लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने मीशो पे भी प्राइस चेक किया तो मीशो पे भी अराउंड 450-450 का ही प्राइस था और ये काफ़ी अच्छा था, तो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर लेना। तो मैंने इसमें पर्पल कलर लिया और बस मैं यही बता रही हूँ कि 400 का है। देन इसी के साथ में चप्पल वाली शॉप थी, तो यहाँ पर हमने स्लीपर्स वगैरह भी देखे, सैंडल्स देखी जो कि फ्लैट्स में बहुत सही मिल रही थी। मुझे बैम्बू प्लांट लेना था लेकिन भैया यहाँ पर इतने ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, करीबन 450 का एक बैम्बू स्टिक बोल रहे थे। मैंने भाई बहुत एक्सपेंसिव है, तो भैया कह रहे छोटे वाला ले लो। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे बड़े वाला, बड़े वाले का प्राइस लगाते हो तो बताना। तो भैया ने मूड ख़राब कर दिया, प्राइस नहीं लगाया हमारे अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ से निकल लिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे आए तो आन्या का बलून फूट गया और आन्या की शक्ल यहाँ पर हो गई कि क्या हो गया। और मैंने आन्या को बोला कि भाई कोई बात नहीं बेचू, मैं आपको नया दिला दूँगी, उसे छोड़ी सी शक्ल मत बनना, ओके बोल दो। तो ये कह रही है कि हाँ मम्मा मुझे नया दिला देंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मोमोज खाए जो कि क्लिप मेरी
मिस हो गई। देन सोडा लिया, जो कि आन्या को भी काफ़ी प्यास लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने गलती कर दी, मैं आन्या को लेके आ गई, बच्चे को मत लेके आना बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हद तक है। देन एक स्टॉल थी ये 250 रुपीज़ की, तो मैंने यहाँ पर शर्ट्स वगैरह देखी, शर्ट की क्वालिटी बहुत सही थी, कम्फर्टेबल थी मेन चीज़, और कपड़ा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ये वाली पसंद करी। लेकिन यहाँ पर ये लोग मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे थे, तो मुझे वो दूसरी वाली भी पसंद आ रही थी। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मैंने फिर इनसे रेटिंग करवा के लिए, मुझे ये वाली भी बहुत सही लग रही थी, तो इसमें पूजा ने भी एक खरीदी। लाजपत नगर के जस्ट अपोजिट साइड, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे अफगानी मार्केट है, तो यहाँ से हम स्पेशल बर्गर ले रहे हैं अफगानी वाला। अभी जब खाएंगे ना तो दिखाएंगे भी, बहुत टेस्टी होता है। ये वीडियो उल्टी कर लियो ना, ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है करीबन 11 बजने वाले हैं, 10:30 से ऊपर, नहीं 10:30 के आसपास हुआ है, 10:35। तो अभी हम आए हैं घर पे, एंड या आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रियली होप करती हूँ आज का व्लॉग आपको मज़ेदार लगा हो। तो आई तो लाजपत से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, बहुत चीज़ें मुझे पसंद आई, कुछ नहीं आई, प्राइस ज़्यादा था कई चीज़ों का। तो बस वही चीज़ थी कि सरोजनी मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि वहाँ पे बार्गनिंग भी चलती है, प्लस वहाँ पे लाइक मैं बार्गनिंग कर रही थी तो भैया कह रहे कि 400 रुपये में तो मैम टॉप आता है, आप कोट सेट लोगे, और मैं आपको बताऊँ मैं 400 रुपये में ही लेके आई हूँ। एंड या बस मैं अभी फेस वॉश वगैरह करूँगी एंड खाना खाएंगे बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपको ऐसे ही ब्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स देखने के लिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।